जग्गयपुरम नाम के एक गांव में कलावती नाम की एक गाय रहती है। उस गांव की मुखिया वही थी, इसलिए सभी गांव वाले अपनी समस्या लेकर उसी के पास आते हैं परिष्कार के लिए। मैं जो भी कहती हूँ वो अच्छे के लिए ही होता है किटैया। अब से देखना तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा घर में ऐसी गलती ना हो इसका बात का ध्यान रखना। वो सारी बातें सुन रही किटैया बैल की पत्नी, तुम जो कर रही हो उन पापों के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी कलावती। मेरे साथ अन्याय करके तुम कभी भी कुछ नहीं रह सकती हो। ऐसे कहते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है किटैया बैल की पत्नी। अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा ऐसे ही मुसीबतें आती रहती है माँ जी, अब चिंता मत करो मैं जाकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए किटैया बैल भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कलावती गाय भी अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसे अपनी बहू सोनी गाय से ऐसे कहती है, बहू रानी मेरे लिए थोड़ी सी कॉफी लेकर आओ, सर में बहुत दर्द है। कॉफी लेकर आने के लिए मैं खाली नहीं बैठी हूँ, अगर चाहिए तो खुद ही जाकर लेकर आओ। ठीक है, ताकत बची हो तो बना लूंगी। इस बूढ़ी को एक कॉफी देने के लिए भी कोई नहीं है इस घर पे। ऐसे कहते हुए कलावती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सासू माँ से ऐसे क्यों बात करती हो तुम? उम्र में बड़ी है, ऊपर से बहुत ही धीमी लग रही है बेचारी। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है दीदी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मेरी सासू माँ के बारे में। ऐसे सिर्फ बाहर से धीरी और शांत लगती है, असल में इस गांव की मुखिया बनकर वो क्या करती है पता है तुम्हें? ऐसे कहते हुए कलावती के बारे में बोलना शुरू करती है सोनी गाय। सोनी की शादी होकर घर आने वाले पहले दिन रात को सबके सोने के बाद उसका पति उसके कमरे में नहीं है कहकर ढूंढ रही थी सोनी। इस आधी रात में कहां पर गए हैं ये? अरे वो कैसी आवाज है, घर के बाहर से आ रही है, शायद बाहर कुछ हो रहा है। ऐसे कहते हुए बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कलावती गाय कुछ गुंडों के साथ बैठकर चर्चा कर रही थी। क्या चल रहा है कहकर ध्यान से देखने पर एक छोटे बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मार रहे थे। वो देखकर डर से कांपने लगती है सोनी। इतने में उसे एक गाय पीछे से खींचकर, ये सब आपको नहीं देखना चाहिए माँ जी, ये बात आपको पता चली है कहकर आपकी जान लेने में भी नहीं सोचेंगे ये लोग। असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन सी बात पता चलने पर मेरी जान लेंगे? बेचारे उस छोटे बच्चे की जान क्यों ले ली उन्होंने? आपकी सासू माँ सबके सामने जैसी महान दिखती है वैसी नहीं है माँ जी, अंदर से वो एक राक्षस है। सुबह उठने से लेकर हर काम पाप वाला ही करती है, वो भी बड़े बड़े पाप। इसमें ये तो बड़ी पाप है इन बच्चों को मारना। वो बात सुनने के बाद कलावती गाय ऐसे क्यों करती है कहकर पूछने पर उस गांव में किसी को भी गाय होने पर उन सबके साथ यही करती है कलावती गाय कहती है। गाय किसी काम की नहीं होती है कहकर उनका जन्म परिवार के लिए पीड़ा है कहकर इसलिए जन्म लेते ही उन्हें आधी रात को ऐसे लेकर आकर जहर वाला दूध पिलाकर मार देती, इसलिए उस गांव की गायें उसे श्राप देती रहती है। लेकिन ये किसी की भी बातों पर ध्यान दिए बिना ये सब करती ही रहती है कहती है। इस जमाने में भी ऐसी राक्षस है, इस बात का मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। इस काम में मेरे पति का भी हाथ है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कैसे भी करके इनकी अकल ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसे कहते हुए उस दिन रात को उसे कुछ भी पता नहीं है, ऐसे सोचते हुए जाकर चुपचाप सो जाती है सोनी गाय। अगले दिन से
कलावती का असली चेहरा बाहर लाने के लिए जिद्दी बातें करते हुए हर काम उल्टा करते हुए रहती है। लेकिन कलावती कहीं पर भी एक छोटी गलती भी नहीं होने देती है। अब बताओ दीदी, मेरे उनसे ऐसे बात करने में कोई गलती है? मेरी कोशिश अभी भी नहीं खत्म हुई है। उन्हें अच्छे से पकड़ने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। वो सही से काम करना चाहिए कहकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे कहते हुए अपने उपाय को उस गाय को बताती है सोनी गाय। वो गाय भी ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनी अब 6 महीने की गर्भवती है। ऐसे ही उसके हॉस्पिटल जाने का वक्त भी आ जाता है। उसकी योजना के प्रकार ही गाय होती है सोनी को। उसके बाद जल्दी से फोन करके पिता को सारी बात बताती है सोनी गाय। हे ऊपर वाले, मेरी बहू को भी गाय की बच्ची ही देती क्या? इस रात को ही सारा काम खत्म करना होगा। ऐसे कहते हुए रात होते ही उसी के बेटे के हाथ से उसकी पोती को मंगवाकर जहर वाला दूध देने ही वाली थी कि सोनी के पिता पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो नीच काम हो रहा है उसका अच्छे से पता लगाकर जेल में डाल देते हैं पुलिस वाले बेल। उसके बाद से उस गांव में गाय बच्चे होने पर सुकून और खुशी से रहने लगते हैं। हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में जमेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। इतने ठंड होने के बावजूद भी उस गांव में 15 से 20 तक परिवार रहते हैं। उन परिवारों की हालत उतने खराब नहीं है जितनी कि इस परिवार की है। लकड़ियां खत्म होने को है चुटकी, तुम और छोटे अपने ख्याल रखो। मैं जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ, ठीक है ना? अभी तो बर्फ गिर रही है, ऐसे में आपका जंगल में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। वैसे भी आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो शरीर को गर्म रख सके। मुझे जंगल में जाना तो पड़ेगा ही चुटकी, मेरे लिए ना सही, अपने परिवार के लिए मुझे लकड़ियाँ लेकर आना ही होगा। ऐसे कहते हुए चीकू बेल अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे कुछ गांव वाले आग सेकते हुए नजर आते हैं। छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए वो लोग चीकू से बात करने लगते हैं। इस बर्फीली बारिश में कुल्हाड़ी पकड़कर कहाँ जा रहे हो चीकू? वैसे भी कुछ दिनों तक जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है। जंगल में लकड़ियाँ काटने से मना किया है? लेकिन क्यों? तुम अकबर नहीं पढ़ते हो क्या? भूखे भालू जंगल में घूम रहे हैं और उनसे जानलेवा खतरा होता है, इसीलिए जंगल जाने से मना किया है। कुछ दिनों तक हीटर से ही काम चला लो, वरना तन से बाद में मरोगे, पहले वो भालू तुम्हें कच्चा खा जाएगा। उनकी बातें सुनकर कुछ देर वहाँ पर बैठ जाता है डरा हुआ चीकू बेल और कहता है कि उसके पास तो हीटर ही नहीं है। वो हमेशा से ही लकड़ियाँ जलाकर अपना काम चलाता आया है। अब जंगल में नहीं गया तो उसकी पत्नी और बच्चा ठंड में बर्फ बन जाएंगे। तब एक एक करके उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और सलाह भी देते हैं। मेरे पास से कुछ लकड़ियाँ लेकर जाओ चीकू, वो लकड़ियाँ तुम्हारा आज का दिन गुजरने के लिए काम आएंगे, और हो सके तो हम सबकी तरह तुम भी एक हीटर खरीदने की कोशिश करो। तुम सब तो जानते ही हो मेरे पास हीटर खरीदने जितने पैसे इस जन्म में कभी भी इकट्ठा नहीं होंगे, मुझे इन्हीं लकड़ियों से गुजारा करना पड़ेगा। ऐसे चीकू बेल के दोस्त उसे सुनी सुनाई बातें बताकर मौत के कुएं जैसी खतरनाक जगह पर जाने को कहते हैं। चीकू बेल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए अपना पूरा मन बना लेता है।
घर लौटकर दोस्तों की दी हुई वो थोड़ी सी लकड़ियाँ छुटकी गाय को देकर उसे जंगल में और लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहा हूँ कहकर झूठ बोलकर उस नीली पहाड़ी के पास जाता है। रास्ते में कितनी मुश्किलें आने पर भी हिम्मत हारे बिना खुद से ऐसे कहते हुए चलता ही जाता है। ये हवा, ये तन मुझे अपने परिवार की रक्षा करने से नहीं रोक सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस पहाड़ तक पहुंच कर ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए दो दिन का सफर तय करके उस पहाड़ी तक पहुंचने वाला होता है और यहाँ पर चुटकी उसका पति जंगल जाकर अभी तक लौट कर नहीं आया है कहकर परेशान होने लगती है और गांव में सबसे उसके बारे में पूछती है। क्या आपने मेरे पति चीकू को देखा है कहीं पर? वो सिर्फ कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे जंगल में, दो दिन से लौट कर नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करना चुटकी बहन, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, चीकू भाई अब कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। मैंने उनसे कहा था जंगल में मत जाना, शिकारी बालू घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो जंगल में नहीं उस नीली पहाड़ी पर गए हो जादुई पेड़ की लकड़ियाँ लेकर आने के लिए। अगर ऐसा है तो वो रास्ते में ही मर गए होंगे। ऐसे वो गांव वाले डरी हुई चुटकी को और भी डरा देता है और चुटकी गाय रोते हुए अपना घर लौट जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसका छोटा सा बच्चा भी डरने लगता है और यहाँ पर बहादुर चीकू बैल उस पहाड़ी तक पहुँच जाता है। लेकिन उस सुंदर से पेड़ को देखने के बाद उसे काटने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है चीकू बैल को। मैं इतने सुंदर पेड़ को अपने स्वाद के लिए काट कर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसे कहकर परेशान हो रहे चीकू बैल से अचानक से ही वो पेड़ बात करने लगता है। उसे एक हमेशा जलते ही रहने वाला हीटर देते हैं। मैंने आज से पहले तुम जैसे बहादुर और सच्चे दिल वाला नहीं देखा, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा इनाम। इस बार तुम्हें वापस जाने के लिए भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। पेड़ के ऐसे कहते ही अगले ही पल चीकू बैल अपने हीटर के साथ घर में होता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताकर खुशी से रहने लगते हैं।